अगर आपकी स्किन टाइम से पहले लूज होना स्टार्ट हो गई है, स्किन पर पिंपल्स हो गए हैं, एक्ने हो गई है, या फिर ओपन पोर्स हो गए हैं, या फिर सूरज की वजह से आपकी स्किन पर टैन हो गया है काफी ज्यादा, या फिर अगर आपकी स्किन डिहाइड्रेट हो गई है, तो आप इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए एक सॉल्यूशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूं बायोक्वा के डिहाइड्रेशन फेशियल किट का, जो कि सेल्फ यूज के लिए bomb.com है। मैंने जहां से स्पेशल किट को परचेज किया है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उनका व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा इफ यू वांट टू ऑर्डर। तो अभी टाइम के बचत करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अगर आप स्पेशल किट को गौर से देखते हो तो आपको पता चलेगा कि हमारे स्पेशल किट का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है राइस। रेडी टू यूज मिक्सर जब यूज करते हो ना, तो उसमें आपको उस इंग्रेडिएंट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो मिलते हैं जो कि आपकी स्किन की डिफरेंट प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। तो आपने ये वाला सेट ले लेना है। अगर आप पूरा सेट नहीं भी लेना चाहते हो तो इसकी अलग अलग चीजें भी मिल जाती हैं, बट वो आपको एक्सपेंसिव पड़ती हैं अगर आप अलग अलग लेते हो तो। अच्छा, तो यहाँ पर हमारा जो फेशियल का फर्स्ट स्टेप है वो है फेस वॉश। अच्छा, इस फेस वॉश का टेक्सचर जो है ना वो बहुत जबरदस्त है, जेल बेस है, रनी सा टेक्सचर है, तो बहुत इजीली इसके साथ जो है ना वो मसाज हो जाता है। टोटल इसके अंदर तीन स्टेप्स हैं, एक फेस वॉश है, एक स्क्रब है और एक पील ऑफ मास्क है। तो तीनों को मैं यूज करके बताऊंगी आपको कि इसको किस तरह से और कब कब यूज करना है। अच्छा, इसका टेक्सचर इस तरह का है कि आपको इसके साथ बार बार पानी नहीं लेना पड़ेगा, मतलब ये जमता नहीं है फेस के ऊपर। इजीली जो है ना आप इसके साथ मसाज कर सकते हो। फिर भी अगर आप इसके साथ थोड़ी ज्यादा झाग बनाना चाहते हो तो फिर आप पानी ऐड कर सकते हो, एंड आपने तकरीबन 2 मिनट तक अच्छे से अपने फेस को जो है ना वो मसाज करना है, देन आपने फेस को वॉश कर लेना है। अगर आप डेली बेसिस पे मतलब 3 दफा भी फेस वॉश करते हो इसके साथ, तो देखते ही देखते आपकी स्किन काफी हद तक नीट और क्लीन हो जाएगी और जितने भी आपके फेस पे इश्यूज हैं वो सारे आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जो यहाँ पर हमारा सेकंड स्टेप है बायोक्वा का राइस स्क्रब, और आपको पता है स्क्रब के अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि आपके फेस से डेड स्किन को रिमूव करने के लिए। इसके अलावा अगर आपके फेस के ऊपर ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स बहुत जल्दी हो जाते हैं या फिर आपकी स्किन जो है ना वो डल लगना स्टार्ट हो जाती है, तो उस सूरत में आपका जो स्क्रब होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, राइस के बेनिफिट्स मैं आपको थोड़े से बताते चलूं। अगर आपकी स्किन लूज होना स्टार्ट हो गई है, मतलब कुछ लोगों को होता है कि टाइम से पहले जो है ना वो स्किन पे एजिंग साइंस प्रोमिनेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ये तब होता है जब आपकी स्किन में पानी की कमी होती है और स्किन आपकी बहुत ज्यादा ड्राई रहना शुरू हो जाती है, तो फिर आपकी स्किन लूज होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस फेशियल की जो खास बात है ना वो यही है कि ये डीप हाइड्रेशन किट है, तो ये आपकी स्किन को आपकी स्किन में जो पानी की कमी है ना उसको पूरा करता है ये। तो आपकी स्किन अगर ड्राई है तो वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल रूटीन की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपकी स्किन से जो है ना वो सीबम प्रोड्यूस होता रहता है, ऑयल निकलता रहता है, तो उस सिचुएशन में भी ये वाली किट जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो अगर आपकी स्किन पे एक्ने हो जाती है या फिर एक्ने की वजह से पोर्स ओपन होना स्टार्ट हो गए हैं, उस सिचुएशन में भी अगर आप इस किट को यूज करोगे ना तो आप मुझे इंशाल्लाह जरूर दुआएं दोगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि स्किन बहुत ज्यादा नीट जो है ना वो लग रही है फर्स्ट टाइम यूज से ही। इसके बाद ही हमारा थर्ड और लास्ट स्टेप है डीप हाइड्रेशन पील ऑफ मास्क। अच्छा, पील ऑफ मास्क जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये एक ऐसा मास्क है जो कि कुछ टाइम के बाद बिल्कुल जम जाता है एंड फिर आपको इसको खींच के उतारना होता है। इसका टेक्सचर भी बिल्कुल जेल फॉर्म में ही है एंड इजी टू अप्लाई है। और इसके साथ मैं स्पैचुला यूज कर रही हूँ, जो कि मैंने भी पिछले दिनों एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि मैंने वधारिया की जो है ना वेबसाइट वहां से ऑर्डर किया था 199 रुपीज में। इसके साथ सिलिकॉन एप्लीकेटर जो है ना बहुत इजीली इसके साथ प्रोडक्ट अप्लाई हो जाता है। अच्छा, इसको ड्राई होने के लिए काफी टाइम चाहिए, मतलब 15-20 मिनट 25 मिनट भी लग सकते हैं। तो आपने अच्छे से वेट करना है जब तक ये मास्क बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा आपको खुद फील होगा कि आपकी स्किन खींच रही है या फिर इसके जो एजेस है ना वो खुद ब खुद उखड़ना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि अभी आप यहां पर देख रहे हो कि मेरे लिप के साइड से जो है ना ये उखड़ना शुरू हो गया, इसमें ये कि ये बिल्कुल जो है ना वो ड्राई हो गया, अब हम इसको इजीली पील ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आपकी स्किन में कहीं डस्ट वगैरह डीपली जमा हुई हुई है तो वो इस मास्क के साथ ही निकल आएगी, उतर जाएगी। इसके अलावा ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स भी इसके साथ ही निकल जाएंगे। इसके अलावा जो बारीक बारीक सा रुआ होता है ना आपके फेस के ऊपर वो भी आपका इस पील ऑफ मास्क के साथ ही उतर जाएगा। इसके अलावा आपकी स्किन टाइट भी होगी इसके साथ और बहुत सारे जो है ना वो आपकी स्किन के इश्यूज हैं जिनको ये डील करेगा। और आप जब फर्स्ट टाइम इसको यूज करोगे ना तो आप देखोगे कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा नीट और बहुत ज्यादा ग्लोई हो गई है। अच्छा, इसका जो ये फुल ट्रीटमेंट है ना ये आपने वीक में एक बार लाजमी करना है एंड फेस वॉश को आप रोजाना यूज कर सकते हो एंड देन आप देखोगे 2-3 बार यूज से कि आपकी स्किन कितनी ज्यादा नीट और ग्लासी हो गई। अच्छा, यहाँ पर मास्क को रिमूव करने के बाद आपको फेस को वॉश नहीं करना कम से कम 2 घंटे के लिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मेरी स्किन कितनी ज्यादा नीट और कितनी ज्यादा फ्रेश फील हो रही होगी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मेरी स्किन के ऊपर कोई इशू नहीं होता, मेरी स्किन से भी बहुत ज्यादा सीबम निकलता है, मेरी स्किन बहुत ज्यादा जो है ना ऑयली है और कभी कभी पिंपल भी कहीं कहीं निकल आता है, लेकिन मैं अपनी स्किन का बहुत ज्यादा ख्याल रखती हूँ, दैट्स व्हाई स्किन मेरी जो है ना वो नीट। गाइस, हियर इज द फाइनल लुक एंड इस ट्रीटमेंट के सेशन के बाद ही आप अपनी स्किन में क्लियर डिफरेंस देखोगे, मतलब बिफोर भी देखना और आफ्टर भी देखना, और आपको पता चलेगा कि आपकी स्किन कितनी ज्यादा हेल्दी और कितनी ज्यादा ग्लोई हो गई है। सो प्रोडक्ट के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा इफ यू वांट टू ऑर्डर, और इसका लिंक अगर मुझे कोई मिल गया तो वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वो भी लाजमी चेक कर लेना। एंड आपको इसका रिजल्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, जो भी लाजमी मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए हाफिज।